अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ शुभम कदस और आज शुभम कदस अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने प्रेजेंट करने न्यू व्लॉग जा रही हूँ। सॉरी फॉर द माय वॉइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी गला ख़राब है और मुझे बैठी हुई लग रही है। मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर रही थी कि यार आप ज़रा आज व्लॉग कर दें, तो इन्होंने कहा नहीं यार आपका व्लॉग है, मैं अंदर कुछ पार्टिसिपेट करूँगा कुछ जगहों पे, लेकिन ये आपका व्लॉग है, आपने ही प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आज थोड़ी सी एक्साइटमेंट मेरी कम होगी आप लोगों को प्रेजेंट करने में, लेकिन फिर भी करना है प्रेजेंट, क्योंकि मेरे ये लिटिल मंकीज की बर्थडे आ रही है, अक्टूबर का मंथ है तो 25 को इनकी बर्थडे आ रही है। तो मैं बर्थडे का जो आपको बता रही हूँ, अभी आज हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, ये प्री बर्थडे की जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है, ये उसी का हिस्सा है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, कुछ मैं बोल देता हूँ। बच्चों की मामा ने, आपके जो व्लॉगर हैं, इन्होंने प्लान किया हुआ था कि बर्थडे पे जो बच्चों को गिफ्ट देना है, एक तो पेरेंट्स देते हैं जैसे आप लोग देते होंगे, तो इसी तरह ये रोज़ ना या कोई मेहमान आ रहा है तो ये ना सेविंग करते जा रहे थे। ये आपको मनी बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये जुहैर का है, ये ज़ाइना का है। मनी बॉक्स भी जैसे गर्ल्स, ये ज़ाइना ने ये फ्रोज़न डिज्नी की जो मूवी है फ्रोज़न, उसका मनी बॉक्स है। जुहैर का जान कार्टून हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ये टर्किश कार्टून है, उनका ये करेक्टर है जान, पता नहीं इंडिया में प्ले किया जाता है कि नहीं, तो उसके ऊपर ये मनी बॉक्स इन्होंने सेविंग की हुई थी। अभी हम देखते हैं कि पता नहीं ये कब से, कुछ 2-4-5 माह, ये जब बड़ी थी हम लोगों ने, पहले मैंने दिया था मनी बॉक्स, अब डिफरेंट वैरायटीज में आ गए। हमारा वक्त होता था तो वो प्लास्टिक के होते थे या मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन अब इतने प्यारे लेटेस्ट आ गए हैं, इवन के लॉक वाले प्लास्टिक के मैंने टॉयज में भी देखे हैं। तो लेकिन खैर, इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं कि इसके अंदर कितनी हमारी सेविंग हुई है। बर्थडे से मतलब जो इनकी शॉपिंग है, एक जो मैंने अपनी पॉकेट से की है, कुछ जो इनकी सेविंग से करेंगे, वो सारे व्लॉग्स मेरा ख्याल है मिसेस प्लान कर रही हैं कि वो आपको प्रेजेंट करें। आज ही अनबॉक्सिंग करते हैं और काउंटिंग करते हैं आपके सामने। ये मेरे पास कटर है, वैसे तो इसका कोई मेथड होगा खोलने का, लेकिन इतना टाइम नहीं है व्लॉग में, मैं कटर के साथ इसको कट करूँगा ताकि जब मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैं अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे के नहीं भेजती स्कूल में, बच्चों को लंच बना के देती हूँ, या अगर कभी जंक फूड इनको हफ्ते में एक दिन होता है उसमें बाय करना हो तो वो मेरे हस्बैंड खुद ही बाय करके देते हैं हम दोनों। तो मेरे जहन में यह आया आइडिया, मैंने कहा यार कि वैसे तो इनको देते नहीं हम लोग पैसे वगैरह पॉकेट मनी, तो इनके मैंने मनी बॉक्स बना दिए। पहले मैंने गत्ते के लाए थे, लेकिन बच्चों को वो एक्साइटमेंट थी, वो उन्होंने विद इन 2 मंथ्स इन्होंने खुद ही सीजर के साथ काट के तो जनाब उसमें से पैसे निकाल लिए। पहले वाले और हाँ जी, उसमें से तकरीबन 5,000 something निकला था। मैं सेम इनके पैसे डालती हूँ, लेकिन जुहैर चूँकि ये मेरा नाटी बॉय है, इन लोगों को देती हूँ कि आप अपने मनी बॉक्स में डाल के आए, दोनों इक्वल पैसे इनको मिलते हैं। लेकिन ये समटाइम होता है इसका मूड ही नहीं होता, आपा आप डाल दें, मामा आप डाल दें, या वो जो पैसे होते हैं समटाइम अपनी गाड़ी में रखे होते हैं स्कूल भी। समटाइम इसकी टीचर ने मुझे कहा कि इसके ज्योमेट्री बॉक्स में से 50 रुपीज़ या कॉइन्स वगैरह नहीं। अपने जो आपके व्यूवर्स हैं उनमें से जो मदर्स हैं या जो फादर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की सेविंग कैसे करते हैं, वो आइडियाज़ भी उनसे पूछे हमारे साथ। हाँ, आपने वो कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोग किस तरह से सेविंग करते हैं, क्या आप लोगों के पास आइडियाज़ हैं। लेकिन हमारे इधर मोस्टली जो ख़वातीन हैं वो बताती हैं जी बच्चे हमारे पॉकेट मनी ले जाते हैं, तो मेरे बच्चे चूँकि अभी बहुत छोटे हैं, इनको पैसों की अभी कोई सेंस नहीं है। और दूसरा, मैं बच्चों को पॉकेट मनी ना देने का मकसद, हमारे बच्चे जो हैं जंक फूड नहीं खाते हैं, जैसे इन्होंने वीडियो में भी अभी बोला है, तो अगर इनको पॉकेट मनी देंगे तो वहाँ पे जो कैंटीन होती है स्कूल की, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं क्या ले के खाएँ, वो एयर मेयरी खाने आते हैं वहाँ, और जाहिर सी बात है खाएँगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो बेहतर यही है हमें माइजर ना समझें, सिर्फ ये यूँ समझें कि हम बच्चों ही के लिए नहीं, ये अच्छी क्वालिटी है। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे कुछ इस व्लॉग के जरिए कुछ पेरेंट्स को इस तरह का स्टेप लेना चाहिए। अब स्पेशली जो है घर में कुछ इस तरह की चीज़ें बना के आप इनको स्नैक्स वगैरह बना के हैंडमेड,
होममेड, वो आप इनको बना के लंच बॉक्स में दे दिया करें। छोटे बच्चे इन इस तरह के बच्चों को आप कतई पैसे दे के बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि किस तरह से पैसों का यूज़ करना है। और ये जो तरीका है, अगर तो आप लोगों को पसंद आया तो मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये चले अभी आया पैसों की बचत करने का। अभी हम इसको मैं कट करता हूँ और वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा। हमारा मेथड भी सही नहीं लग रही है ना, इस वजह से वो मेथड भी सही नहीं है। सर यू स्टार्ट काउंटिंग योर मनी, आप ना मनी काउंट करें मेरे बाद मैं करने शुरू करूं। अच्छा इसमें हाँ आप जो है जाए ना आप भी करेंगे। अच्छा इसमें पॉइंट्स भी हैं, मैंने आपको कहा ना मुझे कॉइंस भी लाजमी नहीं है कि आप 1000 में भी करें। ये देखें 1000 भी है, ये पाकिस्तानी करेंसी है जी, 1000 रुपीस। डैट्स इट जी, ये जुहैर का था, आप और जुहैर और मामा ये काउंट करती हैं, मीनवाइल मैं जायना का करता हूँ। जायना आप भी हेल्प करें, सारी करेंसी नोट्स को जो है वो मामा के साथ हेल्प करें, भाई के साथ आप जाना इस तरह के कलर वाले इकट्ठे कर लें, जुहैर आप रेड वाले कर लें। तो मैं मीनवाइल ये वाला ओपन करता हूँ, ये जायना का। एक और चीज़ यह है कि ये जैसे ही कलेक्ट करके इसकी काउंटिंग करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चूँकि ये एक साथ ही इनमें पैसे डिवाइड होते रहे हैं, इवन गेस्ट आकर भी अगर करते हैं तो अगर एक हम काउंट कर लेंगे एक मनी बॉक्स के, तो मेरा ख्याल है दोनों की काउंटिंग हो जाएगी। तो इसको वैसे मैं ओपन कर रहा हूँ फॉर जायना सेटिस्फेक्शन। उसके लेदर रखे ना, अच्छा लेदर लग ये, इसमें ये चीज़ होगी कि समटाइम होता है कि हर माँ बाप का दिल करता है कि हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करें, तो अगर आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी सेविंग करती जाएंगी तो आपके हस्बैंड पे भी अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, और आपके लिए घर के खर्च में से भी पैसे निकालने आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि वो थोड़े थोड़े करके कतरा कतरा जिस तरह दरिया बनता है तो इसी तरह आप कतरा कतरा इकट्ठे करती जाएंगी, तो आप देखिएगा कि एक हैंडसम अमाउंट आपके पास होगी जिसमें आप अपने बच्चों की एक बच्चे की ख्वाहिश आप इजीली पूरी कर सकेंगे और इसी तरह दूसरे बच्चों की बर्थडे की भी कर सकेंगे। Now I think that the money should be saved, right? ना अच्छा जी ये देखें क्या मैंने हाल किया, सॉरी ये मैथड अगर ये सही तरीके से खोलते तो मैंने जहन में सोचा हुआ था इसका कोई यूज करती चूँकि ये बड़ा सडन प्लान बना है, आई अपोलोजाइज कि मैंने इसको प्रॉपरली अनबॉक्स नहीं किया और इसका कोई ऐसा था भी नहीं लॉक वगैरह जिसको ओपन करके हम कर लेते। तो द क्विकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे विच कम इन माई माइंड यही था, कटर पकड़ा और इसके साथ मैंने इसको कर दिया, पंचर कर दिया। राउंड अबाउट जो हमारी फिगर बनी है वो बनी है 15,000 प्लस लाइक 16,000 तो 16,000 हो गई। तो मेरा ख्याल है 16,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट अगर आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि शॉपिंग करनी है, ड्रेसेस हैं और टॉयज वगैरह लेने हैं तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये इनफ है। और आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपके अखराजात कितने आप करना चाहते हैं उस पर। तो ये वो थी वीडियो, आप एंडिंग करना चाहें तो कर लें, बाकी मैं इसको काउंटिंग करता हूँ। मुझे लगा था आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि 3 months में यार आपने बच्चों की आई डू रियली अप्रिशिएट यू। मैं ये पहले जब मैंने ये इनके मनी बॉक्स लेके आई तो ये मुझे कहते हैं यार ये क्या, मैंने कहा यार इसी बहाने आप बच्चों को पॉकेट मनी दे दिया करें। मेरा माइंड ये है कि जब आपके पास पैसे हैं तो आपको सेविंग की ज़रूरत नहीं है, बट अब जब सेविंग ओपन हुई है तो इट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज़ फॉर मी, तो आई वुड अप्रिशिएट। बल्कि मैं तो यही जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू स्टार्ट सेविंग
दिस स्मॉल अमाउंट्स ऑन एवरी डे यस आप इनकी बर्थडे के फौरन बाद जो है वो नया ला के गुड एन आइडिया सर जी 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 तो इसको कंटिन्यू कर तो ये थी समझ लें कि 16,000 के करीब तीन दोनों मैंने बता दिया इसको एंड करें यार जल्दी से तो आप लोगों को हमारा ये आइडिया कैसा पसंद आया और हम लोगों ने मिल के बच्चों ने हम सारों ने पूरी फैमिली ने अपनी YouTube फैमिली के लिए ये सब कलेक्ट किया हमें भी मज़ा आया बच्चे बड़ा एक्साइटेड थे और जाइना को लग रहा था मामा मेरे ज़्यादा आएंगे क्योंकि जुहैर जो है वो बेचारा अभी थोड़ा इनोसेंट है शरारती बच्चा है लेकिन पैसों के ये देखें अभी वो खेल रहा उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसों में और जाइना भी सिर्फ कलेक्ट करके हमें दे दिया कि मामा बाबा जाने चले अंटिल नेक्स्ट वीडियो तो आपको ये हमारा ये आइडिया कैसा लगा अच्छा लगा आप लोग किस तरह से अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्या आइडियाज़ हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए कीप ट्यून कीप वॉचिंग अंटिल द नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़ बाय बाय नाइना सिंह